केले से हम बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं। कच्चे केले से या राइप केले से हमने बनाया हुआ भी है। अगर आप मेरी वीडियोस आप देखते होगे तो आपको मालूम होगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, कच्चे केले से ऐसा कुछ बनाएंगे जो दो तरह से हम खा सकते हैं। आगे आगे चलिए और देखिए कैसे बनता है और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कच्चा केला हमें कोई भी लेना है जिसमें पल्प ज़्यादा हो, है ना। ये कच्चे केले को हमें बॉईल कर लेना है। आप कुकर में भी कर सकते हैं या पतीले में भी कर सकते हैं। तो ये आप जितना बनाना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। मैं ये आप देख पा रहे हो, इंस्टा पोट है मेरे पास में, तो इंस्टा पोट में मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया है। कुछ नहीं हमें इसमें डालना है, सिर्फ हम इसमें पानी डालेंगे और करीबन 2 सीटी हम लेंगे। ऐसा ना हो कि कच्चा रह जाएगी तो आप पानी का जो पोर्शन है सही से वो डूब जाए, तब तक आप उसमें रखिए। और इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि अच्छे से ये बॉईल हो गया है। इसका पल्प भी हमें अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि केला जो मैंने लिया हुआ है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया हुआ था। तो इसे हमें एक प्लेट में सभी केला जो पका हुआ है अभी उसमें हम डाल देंगे। और फिर इसे हम एक फोर्क लेंगे और इसे मैश कर लेंगे। कभी कभार क्या होता है कि हमें जो मैश चाहिए ये इतना नहीं होगा इससे, तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हो और फिर इसका आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। अभी तो बहुत गर्म है तो मैं ये स्पेचुला से कर रही हूँ। और ये सभी इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, इसमें हमें सॉल्ट चाहिए, हमें ये फ्लैक्स चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन धनिया चाहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है अजवाइन तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन का स्वाद बहुत अलग होता है। ये फ्लैक्स ज़रूर डालिए, इसका ये जो तीखापन तो आएगा लेकिन लुक्स भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो अजवाइन को थोड़ा सा इस तरह से मसल दीजिए और फिर डालिए। इसके बाद में हमें सॉल्ट डालना है जो स्वादानुसार है, आपने कितना ये लिया हुआ है आटा उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि मैं ये ग्रेट कर रही हूँ, तो ये आप केला जो है ग्रेट कर लीजिए तो एकदम मैश हो जाएगा और हमें जब भी आटा बनाएंगे ना तो उसमें दिक्कत भी नहीं होगी। आप ये आटा जो है वो उसको मसल दीजिए उसमें। उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि पानी चाहिए या नहीं। जी हल्दी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इसका कलर जो है ना थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो येलो अगर आप ये हल्दी डालेंगे तो थोड़ा येलोइश पे जाएगा, नहीं तो एकदम ब्राउन हो जाता है इसका कलर। और पानी से हमें अच्छा सा आटा गूंद लेना है, जैसे कि हम पूरी बनाते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दबा के कि कैसी होनी चाहिए। तो बस ऐसे करके हमें इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में हमें इसको बेलना होता है। तो इसके पहले का जो प्रोसीजर है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने आगे बताया था। ये तेल से जो मैं मल रही हूँ उससे क्या होगा कि ये पूरी पूरी जो है ना, पूरी पूरियाँ जितनी भी होगी ना वो फूली फूली बनेगी। और जब भी आप पूरी बनाओ तो ये आपको ज़रूर करना है, और जब भी बेलते हैं तभी भी आपको तेल लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद का अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। पूरी बेलना सबको आता है, सही बात है। हमने ये इसके बॉल्स भी बना दिए, थोड़ी सी ये बड़ी होगी, छोटी छोटी पूरियाँ नहीं होगी। और इसके बाद में हमें इसे बेलना है, तो सभी चारों तरफ से हमें अच्छे से इसे बेलना है। और ऐसा ना हो कि बीच में मोटा रह जाए और साइड में
पतला हो जाए। तो देखिए मैंने ये तेल क्यों लगाया है, ये मैं हमेशा आपको बार बार बताऊंगी, क्योंकि जब भी आप तेल लगा के ये पूरियां बेलते हैं ना, तो ये फूलने ही वाली है। और आटे पे तो है निर्भर, हाँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फूली फूली आपको पूरी चाहिए तो ये ज़रूर आप तेल लगा के बेलिए और चारों तरफ से अच्छे से बेल लीजिए। और हमें इसे नेचुरली हमें इसे फ्राई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पैन रख देंगे और ऑयल रख देंगे इसके, और मीडियम आंच पे मैं ये तलने जाऊंगी। अगर मुझे पूरी ये जो है खस्ता खानी है, ये खस्ता भी बन सकती है और ये नरम भी बन सकती है। अगर आपको नरम चाहिए तो आपका गैस का फ्लेम है जो है वो हाई पे रखिए। अगर आपको खस्ता खानी है तो आप अपनी फ्लेम और तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वो ज़रूर देखिएगा। और आप देख पा रहे हो कि पूरी जो है बहुत अच्छी फूली हुई है। और बस ऐसे ही सभी पूरियां हमें वन बाय वन तल लेनी है। और जितनी पूरियां मैंने तली है ना, बस ऐसे ही बनी हुई थी। और थोड़ी बहुत मैंने खस्ता भी बनाई है और थोड़ी बहुत मैंने नरम भी बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में दोनों ही खानी थी, तो एक में दो का स्वाद मिल गया है ना। चलिए अपनी भी पूरियां आप भी इसी प्रकार से तलिए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपने सुना नहीं है तो दोबारा आप सुन सकते हैं। और ये लाजवाब कच्चे केले की पूरी आप भी मैं बताने जा रही हूँ कि क्या हमने बनाया है। कच्चे केले की पूरी जो है खस्ता भी है और नरम भी बना सकते हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बस ऐसे ही आप बनाएं और खाइए। कच्चे केले की बहुत सारी चीज़ें मैं आगे भी आपको बना के दिखाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, इससे आपको नई नई रेसिपी तुरंत मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन आपको मुझे जुड़ना है, मेरे चैनल से जुड़ना है ना। और कमेंट भी करिए आपको क्या चाहिए। तो पूड़ियाँ रेडी हैं आप लोगों के लिए, आप देख पा रहे होंगे है ना, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लजीज पूड़ी बनी हुई है। ये खस्ता भी है और नरम भी बनी हुई है। थैंक यू।